हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट वीडियोस में आपने एबाकस टूल काउंटिंग सीख ली होगी। एक ह्यूमन कैलकुलेटर बनने के लिए और एबाकस टूल में मास्टरी हासिल करने के लिए आपको बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कभी माइंड में ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन का सम सॉल्व करने नहीं बोलेगा। आपसे सब बेसिक कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ही पूछेगा। और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें चार टॉपिक्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। पहला टॉपिक विदाउट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा टॉपिक फाइव कॉम्प्लीमेंट, तीसरा टॉपिक 10 कॉम्प्लीमेंट और चौथा टॉपिक है मिक्स्ड कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें ये चारों टॉपिक आ जाते हैं तो हम न केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे बल्कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी कर पाएंगे। और अगर आप विदाउट पेन कॉपी एंड कैलकुलेटर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर पाएंगे तो आप इनडायरेक्टली एक ह्यूमन कैलकुलेटर कहलाओगे। तो इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है विदाउट कॉम्प्लीमेंट। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स जंप टू द एबाकस टूल। उससे पहले ये जान लेते हैं विदाउट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। विदाउट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है किसी भी कॉम्प्लीमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना होना। कॉम्प्लीमेंट मीन्स फॉर्मूलाज। जो भी इस एबाकस टूल पर बिट्स अवेलेबल हैं सिर्फ उन्हीं बिट्स को यूज करके हम आंसर निकाल लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं कोई ऐसा नंबर दूं, ऐसा सम दूं आपको जिसमें बिट्स अवेलेबल ना हो और आप ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह है एबाकस टूल। हम बिल्कुल सेंडर रॉड पर आते हैं और बेसिक प्लस माइनस करते हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी हमें प्लस करना है तो आप जानते हैं इस बीच वाले बार को हम वैल्यू बार कहते हैं। जब भी हम इस वैल्यू बार के तरफ नीचे या ऊपर बिट्स लेकर जाएंगे तो एडिशन हो जाएगा, और जब भी हम इस वैल्यू बार से बिट्स को दूर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, एक सम लेते हैं, प्लस टू, प्लस टू, माइनस थ्री, प्लस वन। तो आंसर आ गया हमारा टू, क्योंकि सिर्फ टू बिट्स वैल्यू बार से टच हो रही है। एक और सम लेते हैं, प्लस थ्री, माइनस वन, प्लस फाइव। फाइव ऊपर होता है और प्लस करने के लिए हम इसको नीचे वैल्यू बार की तरफ ले आएंगे तो हमारा आंसर आता है सेवन। 5 + 2 = 7। एक और सम लेते हैं, प्लस फोर, प्लस फाइव, माइनस थ्री, प्लस टू, माइनस थ्री। तो हमारा आंसर आ गया 5, क्योंकि सिर्फ 5 ही ऐसा बिट्स है जो वैल्यू बार से टच हो रही है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ज़्यादा प्रैक्टिसेस के लिए एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको 1 to 9 तक हर नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, प्लस वन, माइनस वन, प्लस टू, माइनस टू, प्लस थ्री, माइनस थ्री, प्लस फोर, माइनस फोर, प्लस फाइव, माइनस फाइव। जब भी हम 5+ डिजिट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर वाले बिट्स के साथ साथ नीचे वाले बिट्स को भी वैल्यू बार की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो प्लस सिक्स करने के लिए ऊपर से 5 और नीचे से 1 बिट को ऐसे वैल्यू बार की तरफ ले जाएंगे, और माइनस करने के लिए इन दोनों बिट्स को वैल्यू बार से दूर ले जाएंगे। सेम प्लस सेवन के लिए
ऊपर से 1 बिट और नीचे से 2 बिट, -7 करने के लिए इन सब बिट्स को रिमूव कर दीजिए। सेम +8, -8, +9 एंड -9। तो इस तरीके से आप प्लस और माइनस की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो एक और सम लेते हैं सिंगल डिजिट का, उसके बाद हम लोग डबल डिजिट विदाउट कॉम्प्लीमेंट का सम लेंगे। तो आइए, +5, +2, -1, +3, -5। तो हमारा आंसर आ गया 4, क्योंकि वेलो बार से टच होने वाली बिट्स ओनली 4 है, 1, 2, 3, 4। अब हम 2 डिजिट मीन्स डबल डिजिट का सम लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं 11। 11 बनाने के लिए हम टेंस रॉड पर आएंगे और बनाएंगे 1, और वंस प्लेस पर भी बनाएंगे 1। ये बन गया 11। अब इस 11 में हम 23 ऐड करेंगे। तो हम टेंस रॉड पर बनाएंगे 2 और वंस रॉड पर बनाएंगे 3। तो 11 + 23 का एडिशन 34 होता है। ये सेम कैलकुलेशन आप अपने हैंड में भी कर सकते हो, अगर आपने इस चैनल में एबकस फिंगर काउंटिंग वाली वीडियोस देखी हो। लेफ्ट हैंड में 1 और राइट हैंड में भी 1, 11। और अब हम ऐड करेंगे 23। तो लेफ्ट हैंड में 2 और राइट हैंड में 3, इन सब का टोटल बन गया 34। इसको रिमूव कर देते हैं और अब एक और सम लेते हैं। 34 मीन्स टेंस रॉड पर 3 और वंस रॉड पर 4, +55, 5, 5, -36। तो टेंस रॉड पे -3 और वंस रॉड पर -6। तो ये हमारा आ गया 5, 1, 2, 3, 53। ये सेम कैलकुलेशन आप अपने हैंड में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, 34, 55 एंड -36, 5 और 3, 53। जैसे आप देख सकते हो कैलकुलेशन कितना इजी हो गया। आप लेंदी से लेंदी कैलकुलेशन अपने हाथों में कर पाओगे, वो भी विद इन सेकंड। अब हम एक ट्रिपल डिजिट का सम लेते हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ सिंगल और डबल डिजिट वाले सम पर वर्क करता है। तो इससे पहले मैं इसको और रिमूव कर देता हूँ और लेते हैं 235। तो 100 प्लेस पर 2, 10 प्लेस पर 3 एंड 1 प्लेस पर 5, +114। तो 100 पर 1, 10 पे 1 एंड 1 प्लेस पे 4। ये हमारा हो गया 235 +114 -322। तो -3, -2, -2, +212, +2, +1 एंड +2। तो ये हमारा आंसर आ गया 2, 3 एंड 9, 239। आप इसी तरह और भी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।